फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री अलाइक सम मैनर, फोर्थ ऑड मैन आउट निकालना है. निफोरोलॉजी, माइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी. मुझे दो ही मीनिंग पता है रियल में. जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये इनका मतलब नहीं पता था. पैथोलॉजी मुझे क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी की एमएससी है तो ये डिजीज़ के साथ रिलेटेड है ना, उसके टेस्ट टेस्ट के साथ. और एस्ट्रोलॉजी जो है डिजीज़ के साथ नहीं है, मेडिसिन के साथ नहीं है, मेडिकल साइंस के साथ नहीं है. ये लॉजिलॉजी कौन सी है ये मुझे पता नहीं है. तो दैट इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी मुझे पता है, स्टार्स पोजीशन उसकी देख के ये बताना कि ये हो जाएगा है ना, आपके साथ ये होगा, ऐसी कुछ बातें पता है. तो इन दोनों में से मेरे को लगता है कि गैस है कि आंसर ये नहीं. अगर तो डिजीज से रिलेटेड ये डेफिनेशन है तो डेफिनेशन ही ऑड यही है. ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखने के लिए हम देख लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता. यहाँ पर मैं कोई सुपरमैन नहीं बन सकता, जो है सो है. अगर वोकैबुलरी वीक है, मुझे आंसर नहीं पता, मैं भी कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता. अगर पार्शियल नॉलेज है थोड़ी बहुत कि न्यूरोलॉजी या ये हो सकती है, माइकोलॉजी ये हो सकती है, फिर ठीक है. निफोरोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये आ गया मेडिसिन. ओके, दैट डील्स विद द फिजियोलॉजी एंड डिजीज ऑफ किडनी. दो तीन वर्ड आए हैं, मेडिसिन, डिजीज एंड किडनी. जो माइकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ फंगिस ग्रुप दैट इंक्लूड द मशरूम्स एंड यीस्ट्स. मैनी फंगिस आर यूजफुल इन मेडिसिन, मेडिसिन कॉमन आ गया. माइकोलॉजिकल रिसर्च हैज बीन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सच एंटीबायोटिक. यीस्ट से बनती है एंटीबायोटिक ड्रग, पेंसिलिन शुगर के लिए, पेनक्रियास. क्वेश्चन आ सकता है साइंस में आपको, पेनक्रियास क्या रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है. जब वो ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम रिलीज करती है उसको हम कहते हैं शुगर है ना. तो वो अगर कम है तो इंसुलिन लेनी पड़ती है, बाहर से टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं. वो आर्टिफिशियल वो इंसुलिन कहाँ से बनती है, वो इंसुलिन जो है बनती है ये यीस्ट से है ना. यहाँ पर पेंसिलिन है, मैंने वो बता दिया, यहाँ पेंसिलिन है, चलो ये है, मैंने वो ठीक बताया है, लेकिन यहाँ मैंने इंसुलिन पढ़ लिया. तो पेंसिलिन है ये वाले जो है मेडिसिन से डील कर रही है. ये भी कॉमन चीज़ ये मिल गई कि दोनों मेडिसिन से है. पैथोलॉजी भी डिजीज और मेडिसिन से डील कर रही है, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही. ये देख लें उनका भी, एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स. यहाँ स्टार्स ऑड मैन आउट का कारण बन गया, प्लैनेट्स है ना. आपके तारे बहुत अच्छे हैं माड़े हैं, वो आपके कर्म हैं, जो आपने किया है आपकी किस्मत कुछ नहीं है, आपने जो किया है वही है. तो वो आपको एक सिचुएशन में लाके जैसा किया था वहाँ खड़ा कर देगी, तो वहाँ खड़ा कर देगी. उसके बाद आपने फिर चूज़ करना है, वहाँ पर राइट को चूज़ कीजिए, अच्छे को चूज़ कीजिए. तो दिस इज़ लाइफ, ये लर्न करना है. द वे दैट सम पीपल बिलीव दैट अफेक्ट पीपल एंड इवेंट्स. ठीक है, पैथोलॉजी ये ठीक हो गया. तो साफ मिल गया है के पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज है ना. तो हमें क्या पता चला है इसमें कि ये जो है मेडिसिन और डिजीज, मेडिसिन और डिजीज, मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड है. एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स से रिलेटेड है. अगर डिजीज है हम फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो बिल्कुल पता नहीं. आप मतलब जब आप ऐसे हेल्प लेते हो, यू कांट चेंज. आपको स्टार यही बता सकते हैं कि अगर राइट नॉलेज है, लेकिन यू कांट चेंज. आप चेंज अपने एफर्ट से ही करोगे. अपने नए जो है एफर्ट्स क्या हैं, वो हमेशा आपके पॉजिटिव होने चाहिए. पॉजिटिव एफर्ट्स कहाँ से आएंगे, ये ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके पास जाइए ना. वो तो फ्री में बांट रहा है सब कुछ. घर में बाहर ना ही गुरमारी में आता है. घर कहाँ है, घर 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 कौन सा घर. यहां फिर हम गलती कर लेंगे. चूज द ऑड वन आउट इन फॉलोइंग ऑप्शन, मस्टर्ड, वीट, मेज, बर्ले. अब क्या है कि ये मुझे नहीं पता कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं. मैंने इसे पंजाबी में भी पढ़ा, ये रहा ऑप्शन थी इसमें. ऑप्शन क्या है, सरों, कणक, मक्की, जौ. हाँ, मैंने जल्दी से क्या आया, सरों का तेल निकलता है, कणक का, मक्की का, जौ का भी निकलता है, लेकिन वो अनाज है, ये अनाज में नहीं. मुझे तो सरों ही लग रही है, दैट इज़ वाई मैंने ऑप्ट किया सरसों. ये रहा मस्टर्ड. मस्टर्ड ऑयल ही है, उसका प्राइमरी ऑयल नहीं है, अगर होता भी होगा प्राइमरी ये ऑयल ही है.
और भी कोई कारण हो सकता है डिफरेंस का, तो मुझे जो पता था मैंने बता दिया। नेक्स्ट है ये अल्टरनेटिव दिए गए हैं, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्री, ये रहा। अब ध्यान से देखना है कि इन डिफरेंस को कैसे देखना है, ये रहा ऑड, ये फिगर है और ये ए बी सी डी है, ऑड निकालनी है कौन सी है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, देखने का तरीका बता रहा हूँ, ये चार कॉर्नर है, एक दो तीन चार, मैंने ये देखा इसके कितने कॉर्नर है, एक दो तीन चार, छः हो गए इसके कॉर्नर, इसके चार हैं, है ना। पहले मैंने तुक्का लगाया चार छ चार छ, कुछ ऐसा आएगा, चार छ चार, तीन तो बन नहीं रहा, ये ऑड बन रहा है, चार छ चार से ये नहीं बन रहा। दूसरा देखा एरो दिया हुआ है, एरो यहाँ पर एक, अब पता नहीं मैथ वाले इसको साइड कहते हैं, शायद इसको साइड बोलते हैं ना, एज नहीं है, कॉर्नर नहीं है, है ना, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर साइड पर है, ये एक तरफ है यहाँ पर जैसे, है ना, यहाँ पर भी ये प्लेन सीधी जा रही है उस तरफ है, यहाँ पर भी वो इस तरफ जा रही है, यहाँ पर वो एज पर है, तो ये डिफरेंस दूसरा दिखा, तो डी मुझे फिर दिखाई दिया। तो ये दो डिफरेंस दिखे जिसके बेस पर मुझे ऑड डी लगा, और डी को मैंने कह दिया कि ये ऑड मैन है। तो आपने किस पर फोकस करना है जब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वेरिएबिलिटी, भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का पॉइंट एक पकड़ना है आधार, जैसे मैंने पहले पकड़ा कॉर्नर पकड़ लिए, कितने कॉर्नर है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और वेरीफाई करने के लिए दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भी अडॉप्ट कर लीजिए। कई बार इसमें वैसे ही कोई लॉजिक नहीं होता, शायद इसमें कोई लॉजिक ना हो, मुझे मिल गया वो ठीक हो गया, लेकिन उसने क्या लॉजिक रखा होगा, मोस्ट वैलिड लॉजिक ये हो सकता है कि इसके एरो इस तरफ है, इसके एरो इस तरफ ठीक है, इसके एरो भी साइड में है, इसके एरो कॉर्नर में है, ये डिफरेंस है। दूसरा तीसरा तरीका मैंने क्या देखा, ये पहले इस तरफ है, ओके, फिर ये हो गया इस तरफ, मूव किधर किया, यहाँ कर रहा हूँ, ये पहले इस तरफ है, बड़ा करके बता रहा हूँ, फिर ये मूव किया इस तरफ ऐसे, तो ये हो गया इस तरफ, है ना, ये वाला इस तरफ है, फिर है इस तरफ, मतलब मैंने ये सोचा कि ये मूव होके इधर आया और ये हो गया इस तरफ, तो अब मूव होके ये इस यहाँ और यहाँ जाना चाहिए था, है ना, तो ये जहाँ इधर इधर आ रहा है, ये मैंने पहले ये देखा था, ये कारण भी हो सकता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या मुझे मिला कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे मैंने देखा, तो ये आंसर मिला मुझे। आपको पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, अगर फ़ायदा हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद सेम वे इन स्पीकिंग रिलेटेड टू इंटरप्ट। अब ध्यान से रिलेशन को देखना है, कोशिश करनी है सेम चीज़ फाइंड आउट करने की। ये थ्योरी कौन सी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरी है, आपके बीएड के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, स्टर्नबर्ग्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, उसकी रिसर्च इसी पर है कि हम पहले से दूसरे का संबंध देखते हैं, इसके सारे एट्रीब्यूट याद करते हैं, इसके सारे एट्रीब्यूट याद करते हैं, और दोनों का संबंध देख के दोनों के संबंध को अप्लाई करते हैं, छः स्टेप्स हैं उसके, वो नहीं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ स्पीक है, स्पीक क्या हुआ, मेरे मन में क्या आया, यहाँ पर स्पीक लिखूँ, यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, स्पीक और इंटरप्ट, ये रहा स्पीक का क्या किया, ये रहा स्पीक, ये रहा, इसको बड़ा करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ स्पीक, ये स्पीक में ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, इंटरप्ट, इंटरप्ट के उसको रोक दिया गया, है ना, उसके विरोधी जा रहा है, तो ये मुझे कम एंड एंटर विरोधी नहीं है, रिजेक्ट जहाँ डाउट में, सिलेक्ट पक्का नहीं है, फार्मर और फील्ड पक्की बात है, उनका संबंध है, ये विरोध में नहीं है, ये रिजेक्ट, वाक और रन सेम दिशा में दोनों जा रहे हैं, विरोध में नहीं है, रिजेक्ट, डू अनडू विरोध में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर वेरीफाई करने के लिए मैं पंजाबी में पढ़ रहा हूँ, ये रहा आउना प्रवेश करना, एक तरफ ही जा रहे हैं, किसान और खेत एक तरफ ही जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तुरना दौड़ना एक तरफ जा रहे हैं, करना कीते नू अणकीता करना, सो राइट आंसर यही है मेरे हिसाब से कि डू अनडू विरोध में जा रहे हैं। प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द सेम रिलेशनशिप, अच्छा अब हर्ट रिटेलिएट,
हर्ट, मुझे रिटेलिएट का मतलब नहीं था पता, मैंने एकदम पंजाबी में देखा। तो पंजाबी में क्या है रिटेलिएट का, ये था कि कोई विरोध करना, यहाँ है बदला लेना, सट लगनी, हाई हर्ट, मैंने फिजिकल हर्ट भी हो सकता है और है ना दूसरा भी, तो फिजिकल हर्ट और उसका बदला लेना, ये भी रिएक्शन आ रहा है, विरोध में जा रहा है, अगर चोट किसी ने दी है तो उसका बदला लेना है, ये संबंध दिखाई दे रहा है और संबंध साफ है ना, कॉज सट लगी सी ता ही बदला लिया सी, है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी का शब्द है, जब है बाण लागे हो तब है रोस जागे हो, है ना, तब उन्होंने वो अटैक किया था, उनके शायद यहाँ पर लगा था थोड़ा सा, तो जब लगती है तब आता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, भोला और यकीन दबाना, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है ना। नादान को धोखा दिया जा सकता है ज़्यादा, ये दिखाई दे रहा है भाई। चतुर चलाक सेम है, दोनों सेम है, समझदार मूर्ख ये विरोधी है, यहाँ पर रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होने की है, नादान और धोखा देना, नादान को धोखा जल्दी दिया जा सकता है, ये बात है, लॉजिक भी बन रहा है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, तो बी को राइट आंसर लगा रहे हैं। चूज द मिसिंग वर्ड इन ऑप्शन प्लेस, अच्छा गिवन ब्लो, ये क्या है, मुझे वर्ड बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, कारण क्या है कि इसका वर्ड का अर्थ नहीं पता, देखिए आप कहते हो नुक्ते ये वो कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए एक शख्स को 1000 शब्दों का अर्थ पता है ना, और 300 शब्द का अर्थ पार्शली पता है, बाकी का नहीं पता, और दूसरे शख्स को 2000 शब्दों का अर्थ पता है और पार्शली 500 का शब्द पता है, ये दो शख्स जो हैं इनमें से ये दूसरा है, इनमें से प्रोबेबिलिटी, दोनों सेम पढ़े हैं बाकी नॉलेज सेम है, तो प्रोबेबिलिटी है किसकी के कौन ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा नेचुरली, क्योंकि शब्दों का अर्थ पता है। अभी भी हम वो ट्रेडिशनल चीजें ही से चेक कर रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट, ये वोकैबुलरी टेस्ट ही है, क्या है ये तो सीधे वोकैबुलरी है ना, तो अपनी वोकैबुलरी आप अगर सिलेक्शन टेस्ट जॉब में सिलेक्ट होना चाहते हो तो अपनी वोकैबुलरी को कंटिन्यू इंक्रीज करो, बेशक पीसीएस यूपीएस कोई भी एग्जाम देना है, यूजीसी देना है, पीटेट सीटेट जॉब सिलेक्शन टेस्ट, क्लरिकल है, पटवारी है, व्हाटएवर यू वांट टू क्लियर, तो आपको वोकैबुलरी, ये मेरी अपनी रिसर्च है कि वोकैबुलरी आपकी रिच होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, ठेंगा करूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, ये पढ़ा ही नहीं कभी, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ पंजाबी में, मैं मतलब क्या बताऊँ अपनी लाइफ बताऊँगा कभी, तो मुझे नहीं कुछ पता, इसका कुछ भी नहीं पता यार मुझे, याक सुना है हाँ यार वो बड़ा सा होता है ऐसे, है ना उसके जैसा, भैंसे जैसा, तो मैं पंजाबी में जा रहा हूँ अपनी भाषा में, तो यहाँ पर है बटेर और तित्तर, हाँ ये पता है यार पंछी होते हैं, याक ये पंछी नहीं होता, इट मीन्स पंछी पंछी एनिमल एनिमल, अब यहाँ पर क्या करूँगा, पंछी है ही नहीं, सारे एनिमल है, इनमें से कौन सा निकालूँगा, तो इसके लिए मैं गया यहाँ पर, मैं खुद नहीं सॉल्व कर सका, बता रहा हूँ यहाँ पर जो जैसे किया वैसे ही बता रहा हूँ, तो ये है हाई, ये है वो वाला पंछी जो पहले वाला है, क्वाइल क्या है ना नाम, ये छोटा सा है, तो ये इस मैंने जब स्टडी किया इसका था स्मॉल, जो स्मॉल साइज वाले पंछी है ना उनकी एक फैमिली है ये, इनमें आता है मोटू मोटू है, लड्डी करनी है इसको, अच्छा ये आगे चलो भैया, चल भाई ये रहा, और ये देखिए दूसरा जिसको बटेर बोलते हैं आप, हाय ये भी स्मॉल उसी फैमिली में, क्या हुआ सिमिलैरिटी, दोनों पंछी हैं, दोनों स्मॉल फैमिली से हैं, ओके, और ये आ गया याक, इट मीन्स पहला डिफरेंस बड़ा और दूसरा एनिमल, और लार्ज फैमिली से है, अब लार्ज इससे सिमिलर बिल्कुल, वो बिल्कुल सिमिलर हैं लेकिन अलग अलग पंछी हैं, अब इससे बिल्कुल सिमिलर कौन सा है, ये बॉल्ड, क्या है आंसर, ये इसका लिखा भी है, नहीं लिखा नहीं है, ये रहा यहां पर, तो उससे सिमिलर हिरन है, उससे सिमिलर, और देखिए मिर्ग और हिरन इन्होंने कर दिया, ये जो दोनों सिमिलर है इनको यहाँ ज्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है, गऊ है नहीं ये बलद है, नंबर वन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याक और वो ये अलग अलग हैं लेकिन देखने में और फैमिली इनकी सेम है, ये इन्होंने लॉजिक इसमें रखा है, मतलब ये पंछी
छोटा और स्मॉल फैमिली तीन क्राइटेरिया, ये एनिमल चौपैया और लार्ज फैमिली ये है रखा। सुनीता वो द रिसो ये अगले में करते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट करते हैं, थैंक यू।